हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं गवर्नर की एक लिस्ट दूंगा, तो गवर्नर की लिस्ट देने से पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा गवर्नर के बारे में एक ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है। गवर्नर के बारे में थोड़ा आपको क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। तो गवर्नर के बारे में जो है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो आपका है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है 5 साल के लिए। गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। और अपने उत्तराखंड में जो गवर्नर, उनका रेसिडेंस जो है वो राजभवन है, जो कि देहरादून में है। पर ये 5 साल जो है ये कोई फिक्स नहीं होता है। जो गवर्नर का टर्म होता है 5 साल का, ये फिक्स नहीं होता है। ये जो होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो कब तक रखना चाहें, कब हटा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हटा ही दिया जाता। अगला जो आता है क्वालिफिकेशन, गवर्नर के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहला जो है, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरा जो है, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के। और तीसरा जो होता है, ही डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि उनके पास कोई और ऑफिस नहीं होना चाहिए, सिर्फ गवर्नर है तो गवर्नर का ही होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट में है, और यूनियन टेरिटरी पुंडीचेरी और दिल्ली में भी है। आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट में है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर है वो आपका यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख बिना किसी कंस्टिट्यूएंसी के, और जम्मू और कश्मीर रीजन वहां पे जो आपका यूनियन टेरिटरी है वहां पे एक असेंबली होगी, जैसे दिल्ली और पुंडीचेरी में है। तो फिलहाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम इसको काउंट कर लेते हैं जम्मू कश्मीर को। और आपका क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर जो 35 साल है, प्रेसिडेंट का भी 35 साल होता है एज, मिनिमम एज। लोकसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज जो है आपका 25 ईयर होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको लोकसभा सीट्स के बारे में बता देता हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन जिन स्टेट में है। जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की सीट है वो 6 हैं, जो हमारे पास एरिया है, पीओके वाला वो अलग है, उसकी सीट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17 है, और अपने उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की जो है उत्तराखंड में कितनी है, 3 सीटें हैं। पावर, गवर्नर की जो पावर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, गवर्नर ही कैन समन द सेशन ऑफ बोथ हाउस। समन का मतलब होता है ऑर्डर, सेशन जो है बुला सकते हैं दोनों हाउस का, या फिर आप कर सकते हो कि प्ररोग। प्ररोग का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर सकते हैं बिना डिसॉल्व किए, डिसॉल्व तो परमानेंट डिसॉल्व हो जाता है। और तीसरा जो डिस्क्रिशनरी पावर आता है वो डिसॉल्व, विधानसभा को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अगला जो पावर है गवर्नर का वो है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है कि स्टेट में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं आपके और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाते हैं, सब कुछ गवर्नर के नाम पे लिया जाता है। लेते सीएम है, लेकिन उस पर साइन फाइनली गवर्नर का होता है स्टेट के। अगला जो है डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है गवर्नर का, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी जिसके पास फुल मेजोरिटी नहीं है, दैट डिपेंड ऑन गवर्नर टू कॉल विच पार्टी। गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी पार्टी को वो अपने हिसाब से बुला सकते हैं। स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, वो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नर सेंटर को जो है अपना भेजते हैं, उस हिसाब से जो है इमरजेंसी स्टेट में लगाई जाती है, जैसे आपका उत्तराखंड में लगाई गई थी 2016 में। अगला जो है गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर में आता है कि कोई भी बिल ये अपने पास रोक सकते हैं आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करने के लिए। हिज एसेंट टू बिल सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। कोई भी बिल है जो उनके विवेक के ऊपर है कि कोई भी बिल जो अपने पास रोक के प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे उसके ऊपर असेंट के लिए। फाइनली हम देखते हैं रिमूवल ऑफ गवर्नर। गवर्नर जो है रिमूवल उनका कैसे होता है, या तो वो खुद रिजाइन कर दें सबसे पहला। दूसरा जो होता है डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नर को डिसमिस किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और ये बेसिकली जो होता है, मैंने आपको बताया अभी कि गवर्नर विदहोल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर है कि कब उनको हटा दें ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। बेसिकली वैसे हटाया नहीं जाता है, इन केस अगर हटाना हो तो ये क्राइटेरिया होता है। गवर्नर ऑफ उत्तराखंड की जो है पूरी लिस्ट लेके आया हूँ, तो इसको आप देख लीजिए।
पहला नाम जो आता है हमारा सुरजीत सिंह बरनाला जी का आता है। इनका जो टेन्योर था 9 नवंबर 2000 से लेकर 7 जनवरी 2003 तक। अगला नाम जो आता है हमारा सुदर्शन अग्रवाल, 8 जनवरी 2003 से लेकर 28 अक्टूबर 2007 तक इनका टेन्योर था। उसके बाद जो है हमारा बनवारीलाल जोशी जी हैं, इनका जो टेन्योर था 29 अक्टूबर 2007 से लेकर 5 अगस्त 2009 तक। अगला नाम जो आता है हमारा मार्केट अलवा जी का आता है, इनका जो टेन्योर था 6 अगस्त 2009 से लेकर 14 मई 2012 तक। उसके बाद जो अगला नाम आता है अजीज कुरेशी जी का नाम आता है, 15 मई 2012 से लेकर 7 जनवरी 2015 तक। उसके बाद जो अगला नाम आता है आपका कृष्ण कांत पॉल जी का आता है, 8 जनवरी 2015 से लेकर 25 अगस्त 2018 तक। उसके बाद जो अभी हमारी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी, इनका जो टेन्योर है 26 अगस्त 2018 से अभी तक इनका टेन्योर चल रहा है। तो इसको आप जो है एक नोट्स बना लीजिए और इनका इनको नॉर्मली आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके इनको जो है थोड़ा याद कर लीजिएगा।